अपुन फ्लावर नहीं है रे, अपुन का स्टाइल ऐसा नहीं है रे, फ्लावर समझाएगा रे। आई टोन माइंड, आई टोन केयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी को सनातन धर्म के हित में बोलने को लेकर के फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसको लेकर के उन्होंने ट्विटर पर बताया भी था और इस पर उचित कार्रवाई की मांग भी किया था। इसी मुद्दे को लेकर एक सभा के दौरान वो पुष्पा स्टाइल में नजर आए और कहा कि तुम हमको जितना गरियाओगे हम उतना ही ज्यादा निखर कर आएंगे और सनातन के लिए काम करते रहेंगे, इस पर हमें कोई रोक नहीं सकता। आइए आपको उनका ये पूरा बयान सुनवाते हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ बोलूँ कि नहीं बोलूँ। हाँ जी पत्रकार महोदय, बोलना चाहिए कि नहीं? देखो बोली बोलिए, और जब कुछ भी था तो बोल सही है सही है, अकेले सही है, बोलना चाहिए। एक बात याद रखना, बहुत अच्छी बात याद आ रही है पर व्यासपीठ से अच्छी नहीं लगेगी, पर फिर भी बोल देता हूं, देवकी नंदन नाम समझ के भगवान समझाए क्या? देवकी नंदन नाम सुन के भगवान समझाए क्या जो 100 गाली माफ कर देगा? ये देवकी नंदन नाम है, अपुन फ्लावर नहीं है रे। का फ्लावर नहीं है अपुन? अब तू बोल। बस मैं इतना कहूंगा कि देवकी नंदन नाम सुन के सिर्फ भगवान मत समझना, ये देवकी नंदन शरीर है, वो भगवान 100 गालियां माफ करता है, शिष्यपाल की 100 गालियां वो देवकी नंदन माफ करता है, अपुन का स्टाइल ऐसा नहीं है रे। तुम जितना हमको गरियाओगे हम उतना और निखर जाएंगे, हाँ, और उतना ही सनातन के लिए काम करेंगे बिना ये सोचे समझे कि इसका रिजल्ट मेरे ऊपर क्या बीतेगा। आई टोन माइंड, आई टोन केयर। मैं अपना काम करता हूं, कर रहा हूं एंड करता रहूंगा, रोक नहीं सकता कोई। फ्लावर समझाए क्या रे?